वो लोग बड़े ही खुशनसीब होते हैं जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं। कभी पिता से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। बेटियां जिस आंगन में पली बड़ी, विदा होने से पहले बाबुल के उस आंगन में एक नन्हा सा पौधा रोप जाती हैं, ताकि बाबुल का आंगन उसके बिना सूना सा ना लगे। लाडो का लगाया ये नन्हा पौधा बाबुल के लिए मानो अनमोल धरोहर बन जाता है। इसी सोच और पर्यावरण प्रेमी ज्योति शर्मा पुत्री राजेंद्र शर्मा गांव सलेड़ी ने ससुराल जाने से पहले पर्यावरण को बचाने के लिए अपने आंगन में अपने परिजनों संग अमरूद का पौधा रोपा है और पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसी पहल की है जो सभी के लिए नई पीढ़ी के लिए प्रेरक साबित हो सकती है। ज्योति शर्मा का कहना है कि अंधाधुंध पेड़ कटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, इसीलिए यदि सुखद भविष्य चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ों के बिना जीवन अधूरा है। पेड़ इंसान के बिना रह सकते हैं, मगर इंसान पेड़ों के बिना नहीं रह सकता। वहां मौजूद रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने उसकी इस पहल की सराहना की। ग्रामीणों में पंचायत बार सदस्य सुनीता देवी, उर्मिला देवी, प्रेमी देवी, प्रीतम चंद, सुनीता देवी, बिमला देवी, नीलम कुमारी ने ज्योति शर्मा की गांव में अनोखी पहल शुरू करने पर खुशी व्यक्त की है। वहीं ज्योति का यह भी कहना था कि शादी को यादगार बनाने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ज्योति ने कहा कि शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ज्योति ने कहा कि इससे प्रकृति के प्रति हमारा अनुराग बढ़ेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। आजकल जिस तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे भविष्य में सांस लेना भी कठिन हो जाएगा, इसलिए इन सब की तैयारी अभी से ही। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं।